वालों का ही जो फरिश्ता बनने वाले उनका ही
अर्थ की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं होता, और देवताओं का तो अर्थ की दुनिया वालों से रिश्ता होता है या नहीं होता है? नहीं, देवताओं का, देवताओं का फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता नहीं होता है? हाँ, तो वो स्टेज नीची है या ऊंची है? तो नीची स्टेज हो गई। हाँ, यहाँ संगम युग में बनना है या सतयुग में बनना है? संगम में फरिश्ता बनना है, और सरिताई स्टेज से ऊंची स्टेज है देवताई स्टेज, क्योंकि दूसरे धर्म में फरिश्ताएं माने जाते हैं। भारत में फरिश्ताओं को नहीं मानते, हिंदू लोग फरिश्ताओं की पूजा नहीं करते। ये तो अभी कलयुग के अंत में तम प्रधान बन गए हैं, तो भूत प्रेतों की पूजा करते रहते, बाकी द्वापर में कोई भूत प्रेतों की पूजा नहीं करते थे, सूक्ष्म शरीरधारियों की पूजा नहीं होती थी, क्योंकि जानते हैं कि सूक्ष्म शरीर वही धारण करते हैं जिनकी अचानक मौत होती है। तो फरिश्ताई स्टेज से भी ऊंची स्टेज है देवताओं का। ये फरिश्ता और देवता रूप के बीच में पूज्य रूप और ब्राह्मण रूप, बाद में देवता रूप दिया, पर एक एक मिनट में पांच रूपों में याद करो, पहले परंग्राम दिया, बाद में फरिश्ता और पूज्य रूप और ब्राह्मण रूप और देवता रूप। ये परंग्राम और फरिश्ता तो वो समझ गया, ये पूज्य रूप और ब्राह्मण रूप ये बीच में क्या होता है? जब देवताएं पूज्य बनते हैं, पूज्य माने पूजने योग्य, तब वो देवता देवता रहते हैं क्या? जब उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं और पूजने योग्य हो जाती हैं, बनाई जाती हैं, तब वो देवता होते हैं क्या? हाँ, वो तो अपने ही स्वरूप की पूजा करते हैं। वो तो ठीक है, आपने बीच में डाल दिया ना, देवता रूप को लास्ट में डाल दिया। मैंने उद्बोधन के बाद पूज्य रूप डाल दिया, बोला है बाद में ब्राह्मण, बाद में देवता का। तो संपूर्ण ब्राह्मण है वही तो संपूर्ण देवता है, अधूरे ब्राह्मण है तो उनको देवता नहीं कहेंगे। पक्का ब्राह्मण माना पक्का देवता, तो पहले ब्राह्मण बनेंगे कि पहले देवता बनेंगे? पहले ब्राह्मण फिर देवता। हाँ वो ठीक है, फिर ब्राह्मण को पहले पूज्य रूप कहा है, फरिश्ता और ब्राह्मण के बीच में पूज्य रूप। वो यहाँ संगम युग की बात बताई है कि जो फर्श की दुनिया वालों से जिनका अटैचमेंट टूटता जाएगा, लोग उनको पूजन करेंगे, माथा टेकेंगे, क्योंकि वो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। हमारी आत्मा मन बुद्धि अपवित्र बननी रही, अंदर ही अंदर मान रही है। हाँ, अंदर ही अंदर मान्यता उनकी हो जाएगी। बाबा ये सीढ़ी में कहा है ज्ञान के रहस्य बाबा खुल कर भी बता नहीं सकते, अभी बता दे देंगे तो आगे चल के क्या बता देंगे? जब तक जीना है ये अभिमान में, जब तक जीना है तब तक पीना है, ये अभिमान में कब तक जीना है? दुनिया वालों को ये अभिमान में कब तक जीना है? जब तक ये पुरानी दुनिया है तब तक दुनिया में कोई न कोई दे अभिमान में जीते ही रहेंगे, और बाप पढ़ाई पढ़ाते ही रहेंगे।
ये बात दूसरी है, कौन सा बाप पढ़ाई पढ़ाते रहेंगे, बाप बेहद के दो है, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य शक्ति का बाप। अभी पूरी बात नहीं हुई ना जी, जाने के बाद भी पढ़ाई चलते रहे। जब आग लगाए देंगे, बाप किसको पढ़ाने आते हैं, सुप्रीम सोल सूर्यवंशी बच्चों को पढ़ाने आते हैं, और सूर्यवंशी बच्चे उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो बच्चे औरों को पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। जनरल जो आज की दुनिया में भी कॉलेज स्कूल होते हैं तो उनमें भी मॉनिटर होता है, टीचर नहीं होता है तो मॉनिटर कंट्रोल करता रहता है। बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ने में भी नंबर वार है, वो बहुत आगे आगे जाते हैं। क्लास में उनका टॉप नंबर आता है। ये बात बीच में पृथ्वी के बीच में आया, बाप को कहीं भी तीन पैर पृथ्वी नहीं मिला, उसका वो पॉइंट के बीच में बाप को तीन पैर पृथ्वी का नहीं मिला ये नहीं बोला, पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले। पांडवों बाप को क्या दरकार है तीन पैर पृथ्वी का, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। वो पृथ्वी पर आता है तो भी परमधाम में रहता है बुद्धि से, तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले सब की बात है। वो बात के लिए ऐसा बोला गया है, बाबा कहीं भी आराम से बैठ करके ज्ञान की बात सुनकर नहीं बोल सकते, बोलने जैसा आराम से जगह नहीं मिला। इस तन में प्रवेश करते हैं वो मुख्य पांडव है या नहीं है, वो अर्जुन का रथ है या नहीं है, बड़े बुद्धि रूपी पेट वाला भीम है या नहीं है, और तो भोजन खाने वाला है या नहीं है, और युधिष्ठिर उसमें युद्ध में स्थिर रहने वाली आत्मा मौजूद है या नहीं है, वो सब ठीक है। तो पांडव है या नहीं है, तो उसको तीन पैर पृथ्वी की नहीं मिलेगी, वो समझ गया बाबा। ये कब का गायन है, अभी का माने कब का, उस टाइम का नाम क्या है, 86 तक, उसके बाद टाइम में वो मिल गया तीन पैर पृथ्वी का ठिकाना, अच्छा उसके बाद रजो तमो तक जब सूची पूरी होती है, फिर तो शूटिंग पीरियड की बात हुई, और शूटिंग एक बार पूरी हुई उसके बाद फिर रील घूमेगी या नहीं घूमेगी, सुबह का अमीर शाम का फकीर, उन्होंने पूछा अभ्यक्तवाणी में, बाप दादा विदेश में कब आवेंगे, उसी समय इशारा दे दिया, ड्रामा में जब पार्ट होगा तो समय की सुई
स्वतः ही खींच लेगी, घर बैठे भगवान मिलेगा। जहां जहां मिनी मधुबन बना देंगे वहां बाप बाप दादा आवेंगे। खादी जो होती है वो हाथ से बुनी जाती है, हाथ से उसका सूत काटा जाता है और कपड़े की बुनाई भी हाथ से होती है। वो कौन सा हाथ है? बुद्धि हाथ। तो भगवान स्वयं अपने बुद्धि हाथ से राम सीता का शरीर रूपी वस्त्र तैयार करते हैं। वो खादी के कपड़े की ये विशेषता है कि सर्दी में गर्म देता है, गर्मी देता है और गर्मियों में ठंडा रहता है, सर्दी के मौसम में भी सुख देता है और गर्मी के मौसम में भी सुख देता है। सर्दी का मौसम है ठंडा मौसम सत्युग त्रेता, वहां तो है ही सुखदायी, लेकिन जो गर्मियों का मौसम है वो है द्वापर कलयुग, दिमाग गर्म हो जाते हैं, वहां भी हर आत्मा को सुख देते हैं। जिन जिन आत्माओं के संसर्ग संपर्क में वो आत्माएं आवेंगी उनको सुख का अनुभव होगा। सिर्फ कलयुग के अंत और सत्युग के आदि के संगम पर जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तब दुखदायी हो जाता है खादी का कपड़ा। राम भी दुखदायी भासता है और सीता भी दुखदायी भासती है, क्योंकि सीता का पार्ट है महाकाली का पार्ट, और महाकाली के साथ कौन है? महाकाल भी है। तो भासते हैं दुखदायी, भारी हो जाते हैं। बरसात का मौसम है ना संगम युग, सत्युग ठंडे का युग, द्वापर का युग गर्मी का युग और संगम युग ज्ञान बरसात का मौसम, उसमें खादी चिपक जाती है। अरे खादी लपेटने की इच्छा थोड़ी होती है, भीगने की इच्छा होती है। खादी तो बहुत भारी हो जाती है कि पकने के बाद। और मखमल के बारे में माने सुखदाई सुखदाई है, ये मखमल का कपड़ा होता है मुलायम ही मुलायम। मखमल सदैव हल्का होता है, जो योग में बैठ गया बेटे को एक घंटा दो घंटा निकलेगा, तो फिर उसको जांच करके उसको भी काट करके लिखना पड़ता है, फिर सारा दिन में भी याद में रहता है, वो सब मिला करके याद लिखना है। इतना तो मालूम पड़ता है कि फर्स्ट क्लास याद कब रही,
नंबर दो की याद कब रही? थर्ड क्लास याद कब रही? और एकदम फोर्थ क्लास याद कब रही? चेहरा ही लटक जाता है। कितना भी कोशिश करते हैं याद में टिकने की, लेकिन माया टिकने नहीं देती। ऐसे ही चार अवस्थाएं लिखते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। फिर उसको महीने के बाद काउंट करें कि कितने दिनों में फर्स्ट क्लास याद रही और कौन कौन से दिन ऐसे भी थे जब फोर्थ क्लास याद ही रही और कब मिस रही। तो रिजल्ट निकालेंगे तो पता चलेगा, जब अमृत वेला बहुत बढ़िया हुआ तो सारा दिन अवस्था फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है, और अमृत वेला जब खराब हो जाता है तो फाउंडेशन वेला ही खराब हो गई। सारा दिन कितना भी याद करने की कोशिश करें, मन बुद्धि टिकती ही नहीं। वाइब्रेशन या वृद्धि तक सीमित हो जाए, लक्ष्मी नारायण क्या राशि कब तक चलेगी? के बाद मृत्यु में वे दोनों साथ साथ रहेंगे ना, उस समय भी वैसे क्या पुरानी दुनिया की आत्मा और नई दुनिया की जीवात्मा दोनों साथ साथ रहेंगी या अलगाव हो जाएगा? आवाज आ रही है, अलगाव हो जाएगा। नई दुनिया की जीवात्मा और पुरानी दुनिया की जीवात्मा एक साथ नहीं रह सकती। पुरानी दुनिया में होते हैं पतित वाइब्रेशन वाले और नई दुनिया में होंगे पावन वाइब्रेशन वाले। पतित और पावन आत्मा इकट्ठी रह न सके, हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते, तो क्या होगा? आखिरी पतित दुनिया का विनाश होगा और नई दुनिया रह जाएगी। कि नई दुनिया में भी विनाश होगा? नई दुनिया में विनाश नहीं होगा, पुरानी दुनिया में विनाश होगा। जैसे टेंपल दे दिया यज्ञ के याद में, कराची के सागर के कंठे पर बने हुए बंगले में 300-400 आराम से रहे पड़े थे, वो भी हिंदुस्तान ही था। बाद में हिंदुस्तान का पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो आराम में रहने वाले उस समय आराम में ही थे या उनको बेआराम ही हो गई? आराम में ही रहे, और बाकी सारे हिंदुस्तान में खून की नदियां बह गई। वो था जड़ टेम्पल। मकान बनाया जाता है तो उसका एक छोटा सा नमूना तैयार किया जाता है। आप पर रखते सारा मकान देख लो, ऐसी ऐसी बनावट का है, परंतु असली तो नहीं है, है नकली ना? जैसे भक्ति मार्ग में अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है, मॉडल बनाने का अधिष्ठाता भी बैठा हुआ है,
ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? अजमेर में। मूर्ति कहाँ रखी हुई है? अजमेर में। वहां के रहने वाले लोग ही उसकी पूजा करते हैं, बाहर से आने वाले पूजा नहीं करते। और वहां बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, कहाँ? अजमेर में। किसकी यादगार? हाँ, मुसलमानों का बहुत बड़ा मेला लगता है, हिंदुओं का नहीं, उनका लगता है, मुसलमानों का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो भीड़ उसी का लगेगा, उन्हीं की भीड़ इकट्ठी होती है। कौन से जानवर वहाँ ज्यादा पैदा होते हैं? बकरी, भेड़ बकरी। उनकी क्या आदत होती है? जहाँ एक जाएगा आंख बंद करके उसके पीछे जाएंगे, बुद्धि नहीं चलाएंगे। तो ब्रह्मा ने वो मॉडल तैयार किया था। वो मॉडल था, चैतन्य नहीं था। आखिरी चैतन्य दुनिया भी नई दुनिया स्थापन होगी या नहीं होगी? एकदम हो जाएगी या धीरे धीरे फाउंडेशन पड़ेगा? धीरे धीरे फाउंडेशन पड़ता है। जो नई दुनिया बनती है उसमें सब धर्म की आत्माएं होंगी या कोई एक धर्म के ही होंगे? जो नई दुनिया बनेगी उसमें सब धर्म की आत्माएं होंगी या कोई एक धर्म की ही आत्माएं होंगी? नई दुनिया का जो फाउंडेशन पड़ेगा उसमें सब धर्म की अच्छी अच्छी आत्माएं चुनी जाएंगी या एक धर्म की ही अच्छी आत्माएं चुन ली जाएंगी? बोलता है सब धर्मों की एक आत्माएं चुनी जाएंगी और उनको ऐसी पढ़ाई हुई होगी कि वो एक दिखाई देंगे। आखिरी जन्म में वो अलग अलग धर्मों की है और जब नई दुनिया में पहुंचेंगी तो सब एक धर्म की दिखाई देंगी। प्रैक्टिकल में एक बाप के बच्चे दिखाई देंगे। तो दुनिया एक हो जाएगी, दुनिया एक हो जाएगी। रजतवाणी में इशारा भी दे दिया है। क्या इशारा दिया है? बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है ना, इसका मतलब शुरुआत हो चुकी है सिलेक्शन की। भले नई दुनिया प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं पड़ेगी क्योंकि कोई भी नई दुनिया रूपी मकान बनाया जाता है तो पहले पहले फाउंडेशन अंडरग्राउंड डाला जाता है। ये दिखाई पड़ता है। और आजकल तो जब मकान बनाते हैं तो चारों तरफ कपड़े से ढक देते हैं, पहले नहीं ढकते थे और आज आप चारों तरफ से ढक देते हैं, वो देख ले ना पाए। हैं
नया मकान बनाया जाता है तो उसकी प्रेरणा देने वाला मालिक अलग होता है, होता है कि नहीं? प्रेरणा देने वाले मालिक को कहते हैं प्रेरक, मकान बनाओ। पहले पहले ऑर्डर मिलता है प्लानिंग पार्टी को, इंजीनियर को। मालिक इंस्पिरेट करता है, प्लानिंग करने वाले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने से ही मकान बन जाएगा क्या? कौन चाहिए? प्रैक्टिकल पार्टी चाहिए। उसके लिए कई वर्षों पहले बाप दादा ने डायरेक्शन दिया हुआ है, विजयमाला का आवाहन करो। पूछते सब होगा, कौन डालेगा? हम तो डालेंगे नहीं, हम तो गांठ कस लिए। कौन कहता है, मना कौन करता है? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है या निवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है? हो रही है प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना। जयमाला का जब तक मजदूरों का आवाहन नहीं करेंगे जिनमें अकल नहीं है लेकिन काम बहुत बढ़िया करेंगे, वो काम में इंजीनियर को लगा दिया जाए तो 10-20 दिन बीमार पड़ जाएंगे। अगर रुद्रमाला विजयमाला में ऐड होना है तो रुद्रमाला का मंडल जो है वो भी विजयमाला में ऐड होने के लायक बन जाए तब तो ऐड हो। वो टेलीग्राम है ना, वो मंडल क्या है? टेलीग्राम है। और टेलीग्राम की बटिया मालूम कैसे तैयार होती है? पहाड़ से पत्थर टूट करके टेढ़ा मेढ़ा पत्थर टूटते टूटते टकराते टकराते पानी में, और पत्थर आपस में टकराते टकराते अंत में जाकर के जब सागर के नजदीक पहुंचता है। बाप का मन बनना है कि नहीं? बाप का मन बनना है तो जब सागर के नजदीक पहुंचेंगे तो छोटे छोटे टेलीग्राम बन जाते हैं। पूजा होगी जो अभी बोला, पहले फरिश्ता रूप फिर बुद्धि रूप। कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। अर्ध विनाश होता बाद में विनाश होता, जैसे द्वापर के शुरू में अर्ध विनाश होता। द्वापर युग की शूटिंग होती है तो एडवांस पार्टी में आधा विनाश होता है। हुआ या नहीं हुआ? जब शूटिंग पूरी हो जाएगी रूम वक्त भी खत्म हो जाएगा और मूर्ति प्रकट होने का टाइम आएगा। तीसरी मूर्ति माने स्थापना पूरी हुई, तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी और काम पूरा हो गया। तो बाद में पुरुषार्थ करने का मार्ग नहीं है। सोलह हजार मड़के हैं, क्लास माला सेकेंड क्लास माला थर्ड क्लास माला भी है। धीरे धीरे प्रत्यक्षता होती रहेगी। 16,000 मड़के जब पूरे ही प्रत्यक्ष हो जाए तो प्रजा को तो पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं होती है। हमारा पहले 8 प्रत्यक्ष हो जाए। हाँ जी, पहले 8 प्रत्यक्ष होते हैं, 100 प्रत्यक्ष होते हैं, हजारों हजार। स्कूल रूम में भी जी सर, स्कूल रूम में भी द्वापर के आदि में 8 मिनट होता है।
यहाँ तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में विनाश होने की बात है ना। हाँ ये तो ठीक है, और जो आगे स्कूल विनाश होने वाला है वो भी पहले आधा विनाश होगा बाद में पूरा विनाश होगा। पहली मूर्ति का टाइम अलग, दूसरी मूर्ति का टाइम अलग, तीसरी मूर्ति का टाइम अलग। विनाश ये 3 घंटों में, तीन मूर्तियां हैं 3 तबके की। दो मूर्तियों का संगम होता है तो तीसरी मूर्ति प्रकट होती है, ब्रह्मा तो विष्णु। तुम कार्य मैंने काम करते रहो, काम बंद न होने पाए, कर्मेंद्रियों से कर्म धारा चालू रहे, लेकिन दिल कहाँ लगी रहे, बाप की याद में लगी रहे। इसे कहते हैं कम कार्डे दिल यार्डे। जैसे कोई की कोई की लगन लग जाती है कोई के साथ, या कहो कि लव मैरिज कर लेता है, कोई को पता नहीं चलता, और माँ बाप के दबाव के कारण, लोकलाज के कारण, परिवार और संबंधियों के दबाव के कारण उसकी शादी किसी दूसरे के साथ हो जाए जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्या हो गया उसकी हालत? काम तो करेगा, इंद्रियां हैं तो कर्मधारा तो चलेगी, लेकिन दिल कहाँ रखा रहेगा? जिससे असली प्यार किया है उस तरफ दिल रखा रहेगा। तो मिसाल दिया जैसे वो आपस में लवर होते हैं ना, ऐसे दिल बाप के पास रखी रहे, बल गृहस्थ में रहो। गौ माने इंद्रियां और तम माना अधिकतम, कहते हैं गुड बेटर बेस्ट। ऐसे ही इंद्रियों का जितने सबसे जास्ती सुख होगा उसका नाम पड़ा गौतम। अच्छा इंद्रिय सुख नहीं भोगा सबसे जाती, इंद्रियों कौन सा सुख भोगा? इंद्रियों, इंद्रियों का सुख श्रेष्ठ जन्मों में सबसे जाती भोगा। कौन सी आत्मा हो सकती है? सेकंड नारायण, उसका कोई पाप नहीं होता है, वो ज्यादा पावरफुल होगा या सेकंड नारायण ज्यादा पावरफुल होगा? बीज, उसका बाप होगा बीज, तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हुआ। तो जो इंद्रियों का सुख भोगने में सबसे ज्यादा पावरफुल उसी का नाम गौतम रहते। पता नहीं आए लिया खुद भी तर्पणी बनती है, इंद्र सभा में उसे मजा नहीं आता है तो जाकर के सर्पों को उठा उठा के ले आती, अरे ले आ
उसका धंधा ही एक है। जय किचन में लेने वाली सुना है तुमने, कोई ने सुना दिया होगा देहदारी। मुरली में तो बोला नहीं, अरे बड़ी समय में मुंह चला देने से क्या होता है, मुरली निकाल के लाओ। पापी चिरायु ऐसे कहते हैं ना, पापी चिरायु ऐसे कहते हैं ना, इसका अर्थ क्या है बाबा? हम कहते हैं लौकिक में कलयुग के अंत में सबसे ज्यादा जास्ती पापी कौन बनता है? अच्छा ये बताओ सबसे जास्ती चिर आयु किसकी होती है? चिरंतन काल तक की आयु बनी रहे। सबसे लंबी आयु किसकी होती है? विद्रुपात्माओं की तो होती है, लेकिन जो जाति याद में रहते हैं उनकी सबसे लंबी आयु होती है। याद में क्यों रहना पड़ता है जाति? पवित्रता का मानदंड वैष्णव देवी कहा है? हाँ जी, जब तक वो नहीं आएगा तब तक प्रतिष्ठता नहीं होगा। पवित्रता पवित्र बाप को प्रत्यक्ष करेगी नहीं, या पवित्र आत्माएं प्रत्यक्ष करेंगी? पूरा नहीं होगा। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो समझ गया है। जब तक वो नहीं आया तब तक प्रत्यक्षता नहीं होगा। फिर और एक सीढ़ी में बताना है, वाइब्रेशन से ही राधा कृष्ण का जन्म होगा। फिर प्रत्यक्षता नहीं होगा, पहले ही राधा कृष्ण का जन्म हो जाएगा। तो राधा कृष्ण ये कहाँ कहा कि प्रत्यक्षता नहीं होगी और राधा कृष्ण का जन्म हो जाएगा? बाप शक्ति का बेहद का जो बाप है, चाहे वो बिंदु है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और चाहे वो मनुष्य शक्ति का बाप है, वो अगर संसार के सामने आदम प्रत्यक्ष ही नहीं होगा तो परिपूर्ण हो गया? परिपूर्ण तो नहीं कहा जाएगा, प्रत्यक्ष होगा तब ही जब संपूर्ण बनेगा, और संपूर्ण बनेगा तो वाइब्रेशन भी परिपक्व और संपूर्ण बन जाएगा, तो कभी पैदाइश होगी। हाँ ठीक है, तो प्रत्यक्ष होने के पहले ही वैष्णव देव ने आना पड़ेगा, वो बात अलग है। फिर वो तो आह्वान की बात है, जब भगवान को बच्चे बुला सकते हैं, भगवान भी आ जाता है, शक्ति का पहला पत्ता भी बुलाने से आ जाता है, तो वो आत्मा बुलाने से क्यों नहीं आएगी? वाइब्रेशन से ही जन्म हो जाएगा ये? बुलाना माना वाइब्रेशन से बुलाने की बात है या टांग पकड़ के हाथ पकड़ के ले आने की बात है? शूटिंग पीरियड में राम राजा नहीं होता है, सबके दिलों पे राज नहीं करता है। शूटिंग पीरियड में राम प्रजा तो बनता है, क्या राम प्रजा को बनता है? माने जो भी राजाएं होते हैं उनके कंट्रोल में तो रहता है, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन राम राजा कैसे बनता है शूटिंग पीरियड में, वो नहीं समझ में आती। हमारे दिल के ऊपर तो राज नहीं कर सका, तो राजा कैसे हुआ? हाँ किस तरह पूछ रहे? अरे वो दिलों के ऊपर राज्य करता है, इसलिए राम राजा संगम युग में। यहाँ जो दिलों के ऊपर राजा ही करता है, वहां वो सारे विश्व के ऊपर राजा ही करता है।
कोई फूल डंडों का राजी नहीं है, शस्त्रों का राजी नहीं है, पुलिसिया राजी नहीं है, मिलिट्री का राजी नहीं है। भगवान आकर के ईश्वर कहा जाता है, ऐसा शासन करता है, पर देश के शेष शासन करने वाला है, दिलों के ऊपर राज्य करने वाला है, ये दिलवर कहा जाता है, दिलाराम कहा जाता है, कोई को दिलाराम दिखाई पड़ता है, राजा के रूप में कोई को नहीं दिखाई पड़ता है, कोई दूसरा दिखाई पड़ता होगा तो कहां से दिखाई पड़ेगा। आराम नहीं देते हैं, शिव बाबा दूसरा अनुभव, अगर एक शिव बाबा दिल में बसा हुआ है तो ही तो दिलाराम दिखाई देगा, क्योंकि वो एक में ही प्रवेश करता है, दूसरे में तो प्रत्यक्ष होता नहीं, तभी तो दिखाई पड़ेगा। अगर व्यभिचारी वृत्ति है वो भी याद आता है, फिर वो भी याद आता है, फिर तीसरे दिन उनके सारे ही याद आते, तो कैसे दिखाई देगा। वैष्णो देवी अंधेरा जब होता है सवेरे को सूर्य निकलने से पहले, वो अंधेरा आगे आगे भागता है और पीछे पीछे कौन होता है, लाली। लाली के दो रूप है, एक अंधेरे के पीछे भागने वाली, वो सूर्य के नजदीक नहीं होती, आगे आगे भागती, और उसके पीछे पीछे सूर्य के नजदीक वाली जो लाली हो, सूर्य नहीं निकलता उस समय, एकदम एकदम प्योर लाली में दिखाई पड़ती। अस्त होता है तो उस समय अंधकार पीछे होता है, पीछे पीछे अंधकार आता है, अंधेरा फैलाने वाले आते हैं, अंधेरा फैलाने वाले सितारे प्रत्यक्ष होते हैं, सनसेट पॉइंट भी यादगार है। अस्त हुआ, अंधेरा फैलाने वाले सितारे प्रत्यक्ष होने लगे। पहला सितारा कौन सा प्रत्यक्ष होता है, पूरा दिन निकल आता है तो भी वो सितारा चमकता रहता है, नहीं सूर्य के आगे आगे देखने में आता है, शुक्र तारा अस्त होने के टाइम भी दिखाई पड़ता है और उदय होने के टाइम भी दिखाई पड़ता है। एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है तो भी उसे सितारे से होती है, भारत में पहला प्रचार होना शुरू होता है कहाँ से, भारत में प्रत्यक्षता कौन से प्रदेश से शुरू होती है, कहाँ से, दक्षिण भारत में भी ढेर सारे प्रदेश है ना, कर्नाटक, कर्नाटक से तो भी वो सितारा आगे होता है, जब तक वो सितारा आगे ना हो तब तक कर्नाटक वाले सारे इकट्ठे हो जाए कुछ नहीं कर सकते। और
वाइब्रेशन बनता है, वाइब्रेशन से वातावरण बनता है, ये अभी समय में कहा है। तो ये तीनों अलग अलग कैसा जी? तो आत्मा को कहा जाता है, आत्मा अलग चीज नहीं है, वृत्ति वृत्ति मानो वाइब्रेशन, वृत्ति कोई अलग चीज हो रही है, अलग अलग कहा है वाणी। वृत्ति और वाइब्रेशन एक ही बात है। जहाँ जहाँ तक उसका असर पहुँचेगा वहाँ वहाँ तक उसका असर अनुभव में आ गया। जैसे नेहरू जी के पीछे से लोग बहुत बुराई कर लेते थे, वो नेहरू जी जब वरिष्ठ सभा में सामने आते थे तो उनके उनका वाइब्रेशन उनसे मिल जाता था। राधा कृष्ण का जल में देने वाला माता पिता है ना, राधा कृष्ण का जन्म देते है ना, माता पिता क्या काम करते जन्म देने से? क्या काम करते हैं? माना काम करने के लिए कर्मेंद्रिया चाहिए है? राधा कृष्ण को जन्म देने के लिए काम करने के लिए कर्मेंद्रिया चाहिए नहीं ना? आपको तो पता चल गया ना क्या वो अतीन्द्रिय सब होने वाले होते हैं, क्या कर्मेंद्रियों से उन्हें काम करने की दरकार नहीं रहती। वो भी सुख भोगा जाता है, वो असली सुख है मन का या तन का? मन का सुख जो भोगा जाता है वो असली सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख भोगते, वो ही उनका काम है। इसलिए बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, वो कर्मेंद्रियों से कोई खास कर्म करता नहीं। जो कर्म करता है वो ना आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन अनुभव में आवेगा। सत्य व त्रेता में अतीन्द्रिय सुख नहीं होता, संगमिक में ही अतीन्द्रिय सुख अंत में होता है। जब तक संगमयुग है सत्य में अतीन्द्रिय सुख थोड़ा ही होता है, वहाँ तो आँखों का सुख शुरू हो जाता है, लोगों का प्यार शुरू हो जाता है। नीचे नहीं गिरेंगे तो सत्य चलेगी कैसे? संस्करण कैसे कहा जाएगा? संस्करण का मतलब ये है ऊंचे से नीचे उतरते रहना, धीरे धीरे धीरे। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। ऊंचा उठने का कारण क्या हुआ? बाबा की याद। अब सत्य में बाबा रहेगा तो धीरे धीरे नीचे उतरते रहेंगे। नहीं, वहाँ क्यों होगा? वहाँ त्रेता युग में बाहु पास में नहीं बनेंगे, नहीं बनते। आंखें भी इंद्रियां हैं कि नहीं? तो इंद्रियों से पैदाइश नहीं होगी तो फिर अतीन्द्रिय सुख कहाँ हुआ? एक बार अतीन्द्रिय सुख की बात चालू हो गई तो नहीं नहीं वो उतरता रहेगा। पहले वाइब्रेशन का सुख, सच्ची का सुख, इंद्रिय का सुख है ना? हाँ, तो अतीन्द्रिय सुख की भी कोटि है ना, दुनिया की हर चीज भूल गए, चार अवस्थाओं के पसार होती है। वो अतीन्द्रिय सुख भी चार अवस्थाओं के पसार होता है। हाँ जी, वही तो 100% है।
हाँ जी है वैष्णो देवी 16,000 नहीं होगी, मतलब वैष्णो देवी है गोपी की लिस्ट में नहीं है, गोप कुल सारथी की लिस्ट में नहीं है, तो नाम ही है गोप गोपी है। तीन हजार के साथ 108 और 8 तो जुड़े हुए ही रहेंगे। आंके बहुत धोखा देने वाले अंक करके बोलते हैं, तो ये आत्मा कहता है या आंके कहता है? आत्मा ही है ना, आंखों को आत्मा कहेंगे? नहीं नहीं, वो आत्मा नहीं कहेंगे, फिर भी वो ये तो ये सूर्य इंद्रिय है, तो देखने वाले क्या उनको कौन चीज होता है, तो आत्मा ही देखता है। कांच में बल्ब देखता है या देखने वाली कोई और है? देखने वाला कोई और कौन है? आत्मा ही देखता है। कांच के अंदर जो देखने वाला है छोटा सा डाल देते हैं, बहुत छोटा सा कांच जलती है, बल्ब जलता है, बल्ब देखता है या देखने वाली शक्ति कोई और है? बैटरी है ना, तो बैटरी आत्मा है। आंखों के लिए तो दोष देता है, दोष तो आंखें जुड़ी हुई है ना सेल से, तो जुड़ी हुई बैटरी से जुड़ी हुई है तो आंखें है, बैटरी से नहीं जुड़ी हुई है तो ना आंखें है नहीं और इंद्रिय है। बोलो, अब सबका बारह प्रतिशत किसका तेज है ये बाबा बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है सबकी वार प्रत्यवस्था है, माना चौथी स्टेज आ गई सबकी, सब तमो प्रधान हो गए, सतो प्रधान कोई भी नहीं है। अब अभी वाणी में बताया कि परिस्थान में परियां रहती है, हाँ जी, तो इनको हम विजय माला के लिए कहेंगे, क्योंकि परियां ये शब्द रहती है, यानी के पंखों से उनकी स्टेज में उड़ती है तो परियां है, माना विजय माले के लिए कहेंगे या उनको ज्ञान का पंख है? नहीं नहीं, तो परिस्थान की परियां कैसे हुई? नहीं, परियां माना स्त्री संबोधन हुआ। हाँ, कोई भी आत्मा हो आत्मा ही उड़ती है, ज्ञानियों के पंख है तो उनकी स्टेज में उड़ सकती है। वाल्मीकि का अर्थ क्या है? वाल्मीकि सर्प का जो बिल होता है, मिट्टी इकट्ठी हो जाती है उसमें बिल घुस जाता है, सर्प घुस जाता है, तो मिट्टी का ढेर जो है जिसमें सुराख होता है तो वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि आजकल जाति का नाम रख दिया जंगली मैटर, उसका धंधा क्या होता है? धान उठाना, मिट्टी किसे कहा जाता है? ये अभिमान की मिट्टी होती है, राम की आत्मा भी द्वापर के आदि में आकर के वाल्मीकि का जन्म लेती है, नाम क्या पड़ता है? वाल्मीकि। कौन सी जाति के थे और फिर क्या बन गए? बड़े विद्वान बन गए। नीची जाति के लोग होते हैं वो चोर चकारी होते हैं और क्या होते हैं, भंगी है चोर है डकैत है, वो किसकी पूजा करते हैं? काली की पूजा करते हैं।
थोड़ा ही विष्णु है, कृष्ण के साथ राधा भी तो चाहिए। राधा और कृष्ण दोनों के संस्कार मिलकर के एक चाहिए तो विष्णु है। अगर कृष्ण अकेला है तो कृष्ण काला होगा या गोरा होगा? काला होता है। उसके साथ राधा भी चाहिए। राधा सदैव गोरी, कभी काली दिखाई जाती है नहीं। और कृष्ण काले की पूजा होती है, तो दोनों का मेल चाहिए। महाविष्णु कहते हैं, महानारायण कहते हैं, महालक्ष्मी कहते हैं, महानारायणी कहते हैं। उनको कैसे विष्णु बाबा के बारे में बताना है? इसको वो लोग महाविष्णु को मानते हैं, उनको बताओ विष्णु के रूप में पुरुष रूप आगे है और महावैष्णव के रूप में, दोनों का कॉम्बिनेशन है, चार भुजाएं दिखाई जाती है। तो राम सीता दो भुजाएं सहयोगी ईश्वरीय कार्य में, और राधा कृष्ण दो भुजाएं होगी, तो चारों भुजाएं मिलकर के विष्णु बन जाता है। महाविष्णु भी वही है, विष्णु भी वही है, महानारायणी भी कहा जाता है, महालक्ष्मी भी कहा जाता है। स्त्री चोला आगे है तो महालक्ष्मी, पुरुष चोला आगे है तो महाविष्णु महानारायण। हम ब्राह्मणों के बीच में ही रहते हैं, बैठे हुए होंगे, अब आने वाले हैं, थोड़ा खाना वाना बुना जा रहा है। कैसा पाठ बजाती है राम लक्ष्मण के सामने? कैसे ही जाके तो हमको भर लो, हमसे शादी कर लो। जब वो इनकार कर देते हैं तो रावण के दरबार में भरी सभा में जाकर के शिकायत करते हैं, इन्होंने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, हमको ऐसा कर दिया, हमको वैसा कर दिया, हमको छेड़ दिया। वो हमारे साथ शादी करना चाहते थे जबरदस्ती। तो रावण के दरबार में जब ऐसी बात बोलेंगे तो रावण को गुस्सा तो झगड़ा होगा ना, तो उनको कहा जाता है सुपन खान। दोनों में होते बाबा के सन्मुख में बेटक वाले नहीं रहे, बाबा के सन्मुख रहने वाले बेसिक वाले नहीं थे, और एडवांस में बाबा के सन्मुख नहीं है। वास्तव में वो सन्मुख नहीं होते, मुंह के सामने कोई बैठ जाए तो उसे सन्मुख कहा जाएगा। अंदर से गंदे गंदे वाइब्रेशन चला रहा हो, अंदर से उल्टे संकल्प चला रहा हो, सामने बैठा हो तो उसको सन्मुख कहेंगे? सन्मुख कहेंगे या विमुख कहेंगे? विमुख कहेंगे। ये बोला सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश है तबहि। भगत लोग क्या करें, भगवान के दर्शन करें, आए मुंह के सामने बोल रहे, वो सन्मुख हो जाएगा क्या? सन्मुख का मतलब ये है अंदर से दिल से वाइब्रेशन मिल जाए, जो भगवान के मन में जो बातें हैं
वही बात है हमारे मन के अंदर आने में, कोई विपरीत संकल्प न चले। मन मना भव, जो बाप के मन के अंदर संकल्प वही बच्चे के अंदर संकल्प, कोई संकल्प मात्र भी टकराव न हो। Thank you.